नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक, जो भी हमारे भाई हैं उन सभी को ईद मुबारक। अब अगर बात करते दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आ रही है जिसमें कि 84 डेज और ये आप कह सकते हो जो प्लान्स हैं ना, जितने भी डेज के आपको मिलते हैं वो सब बंद होने वाले हैं। जी हाँ, वो सभी क्लोज किए जाएंगे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। क्यों? बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है दोस्तों। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी जिसमें कि उन लोग को हर महीने 13 रिचार्जेस, मतलब हर साल 13 रिचार्जेस कराने पड़ते थे और हर महीने 28 डेज वाला प्लान रिचार्ज कराना पड़ता था। तो जाने की वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टैरिफ प्लान्स की, तो देखो टैरिफ प्लान्स का कुछ ऐसा मसला था कि हर साल आपको 12 की जगह 13 रिचार्जेस कराने पड़ते थे। और आपको याद होगा मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि हमें कितना ज़्यादा घाटा होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा घाटा होता है, लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कंपनियों ने जो प्लान रखे हैं बहुत ही अजीब तरीके से रखे हैं। अब जैसे यार एक जो महीना है वो है 30 डेज का, तो हमारा 30 डेज वाला प्लान होना चाहिए ना, हमें 28 डेज वाला प्लान ही क्यों मिलता है जिसमें कि मतलब जो हमारे बचे हुए दिन होते हैं वो तो मतलब आप कह सकते हो कलेक्ट होते रहते हैं और उसके चक्कर में हमें और एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है पूरे साल में। अगर देखा जाए हमें वैसे तो 12 रिचार्जेस कराने चाहिए, 12 रिचार्जेस होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कराते हैं 13 रिचार्जेस साल में। और 365 दिनों को अगर कंप्लीट करना है तो हमें 13 रिचार्जेस कराने ही होंगे, चाहे आप कोई सा भी प्लान ले लो, 3 महीने वाला ले लो या वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर हमें जो प्लान्स हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। और ये वीडियो मैंने बनाई थी और हमारी बात जो है वो ट्राई ने सुन ली, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और उन्होंने दोस्तों इस बात को ध्यान में दिया कि जब लोगों की ज़्यादा कंप्लेन आने लगी कि आखिर में ये क्यों है, सभी ऑपरेटर्स को जो प्लान है वो मंथली वाइज देना चाहिए और हमें ताकि 12 रिचार्जेस ही कराने पड़े पूरे साल में, 13 रिचार्जेस ना कराने पड़े क्योंकि हमें ये महंगा पड़ता है। और ऐसी बहुत सी कंप्लेन की गई ट्राई को, बहुत सी कंप्लेंट की गई। तो ट्राई ने फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो 13 मई 2021 को यहाँ पर एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पर आप कह सकते हो रिलीज़ कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने कंसल्टेशन पेपर जो रिलीज़ कर दिया है और उनसे आस्क किया गया है शेयर होल्डर्स ऑफ TSP मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कि आखिर में ये क्यों है ऐसा। और मतलब उनसे कुछ क्वेश्चन वोशन किए गए जिसमें कि काउंटर कमेंटमेंट भी है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बात होने वाली, क्योंकि देखो 28 डेज प्लान, 56 डेज प्लान या 84 डेज प्लान, तो वहाँ पर हमारा लॉस ही हो रहा था, घाटा ही हो रहा था, हमें ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करने पड़े थे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अब क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं जियो, भारती एयरटेल आप कह सकते हो वी से, और ये अब इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे कि अब आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि 30 दिन का मतलब महीना है तो 30 दिन का ही प्लान होगा जिसमें क्या कि आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपके फालतू में पैसे खर्च नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर कमेंट मांगा गया है 11 जून तक और काउंटर कमेंट की यहाँ पर आप कह सकते हो जो डेट रखी गई वो रखी गई 25 जून तक, ठीक है। और यहाँ पर जो कंसल्टेशन पेपर है इसका जो नाम है वो है वैलिडिटी पीरियड ऑफ टैरिफ ऑर्डर्स। तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप कह सकते हो एक स्टेप लिया है ट्राई ने और आई होप कि इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो बयान सामने आए जो कि हम लोग के हित में हो। और मैं भी यही चाहता था क्योंकि मैं यार देखता था कि बहुत मतलब एक्स्ट्रा रिचार्जेस कराने पड़ते थे, महंगा भी पड़ता था चाहे हम कोई भी रिचार्ज कराएं। तो 28 डेज अब हट के 30 दिनों का ही प्लान देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि सभी प्लान अगर ये सही रहा, सब कुछ सही तरीके से रहा, तो आपको जो 28 डेज वाले प्लान हैं या फिर आप कह सकते हो 84 डेज वाले प्लान हैं या 56 डेज वाले प्लान हैं ये आपको बंद देखने को मिल सकते हैं सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस देख के आता रहता हूं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।